अस्सलाम वालेकुम गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? सब अच्छे? अलहमदिल्ला हम लोग भी अच्छे। वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग फॉर MW। मैं किचन में से ये वीडियो शुरुआत की, कल भी किचन में से की, आज भी। तो मेरा साइड ही हो गया। मैं उठती हूँ 4:15 बजे, तहज्जुद की नमाज पढ़ती हूँ। तहज्जुद की नमाज पढ़ के फिर मैं साइड ही करती हूँ। सैरी वरी हो गए, सब हो गए। अभी खाली पानी पीने का, रोज़ा रखने का। तो रोज़ा रखने के लिए टाइम है, इसके लिए मैं अभी रखी नहीं। पानी उनी पीने का रहता है, वो सब पी के फिर रोज़ा का दुआ पढ़ के रोज़ा रख लेंगे। तो ये और आज जाने का, आज है बुधवार और अभी बज रहा है सुबह की 5:10। और जाने का आज लड़का को लेके दवा खाना, रोजा रख के, रोजा रख ली, रखने के फिर जाएंगे। फिर मगरिब, फिर फजर की नमाज पढ़ने का, उसके बाद तैयारी होएंगे। रोटी आज हस्बैंड अंडा फ्राई या रोटी लेके जाएंगे, तो उसको अंडा फ्राई रोटी दे देंगे, वो लेके जाएंगे। उसके बाद उसका पहले ही मैं चली आएंगे, अंडा फ्राई रोटी बना लूँ, फिर मैं मेरा नमाज पढ़ेंगे, वजू किया हुआ ये मैं, फिर आड़ बचाइए तो वजू कर लेंगे, फिर नमाज पढ़ेंगे, फिर जाएंगे दवा खाना। तो ये फिर देखेंगे आके क्या खाना बनाओ, क्या इफ्तारी का क्या बनाओ, क्या नहीं, सब सोचेंगे आके। पहले उसको लेके यार, मेरा सर्दी थोड़ा कम है लेकिन खांसी बहुत हो रहा था रात को। खांसी का सिरप पी लेंगे तो कम हो जाएगा खांसी। तो चलिए देखते रहिए पूरा दिन क्या करो क्या नहीं, सहरी टू इफ्तारी तक। और इफ्तारी में आज क्या बना रही वो भी बताएंगे। चलिए मैं फटाफट लड़की को उठाऊँ, उठा के सब करूँ, क्योंकि इधर नहीं करेंगे उधर मेरा लेट हो जाएंगे सब चीज़, इसके लिए। तो चलो मिल रहे गमला ये कर जात जाएगा। अभी टाइम हो गया 7:00, अभी भी बाकी है कितना, 7:10 का है, 7:07 का है। अरे मेरे को क्या दिख रहा है, मच्छर कितना है स्टेशन पर भी मच्छर है। सात बजे का गाड़ी है, अभी 7:10 का गाड़ी अपना है। अब मैं रोजा रखती, रोजा रखती जा रही हूँ रोजे में। चलिए मिल दो Thank you.
हाय गाइस, दवाखाना से जाके आई तब 12 बजे आ गई थी। दवाखाना से जाके आ रहा, अभी बज रहा है 12:47 हो गए और मैं आई 12 बजे। आई तो देखी पानी नहीं आया, अच्छा हुआ पानी नहीं आया था। तो लड़की काम पे चली गई थी, पानी नहीं आया बोल के लड़की चली गई उसका ड्यूटी में। मैं आई तो देखी तभी भी नहीं आया। मैं नीचे से आओ सुनी मोटर चल रहा है, मैंने बोली चलो अच्छी बात है। मैं आई तो पानी नहीं आया, अभी आएंगे भर उड़ के नहा लेंगे। पानी भरी सबकी, नहाई धाई फ्रेश हुई एकदम, पीने का पानी उनी सब भर के नहा धा तो फ्रेश हो गई। लड़की काम करके गई है, झाड़ू लादी करके गई है। और खाना आज कुछ भी नहीं बनाएंगे, कल रात की कल दोपहर को भाजी बनाई थी वो भाजी है, फलवर बटाना की भाजी है। अगर इन लोग खाएंगे तो वो खा लेंगे फलवर बटाने की भाजी। रात को सादा कुछ भी बना लेंगे, रात को दाल बटाटा बॉयल चावल और अंडा फ्राई कर लेंगे तो हो जाएगा सबका खाना। क्योंकि अभी ये दोनों ही खाएंगे, इन लोग का खाने का बहुत नखरा है, इन लोग ये नहीं खाते है जल्दी से। मेरा बेटा मेरा सामने कुछ भी नहीं खाता, पानी भी नहीं पीता है मेरा सामने। क्योंकि मैं रोजा हूँ ना तो मेरा सामने ना पानी पिएंगे ना खाना खाएंगे। मैं उधर अगर किचन में काम करेंगे तो मेरे को पूछ के आएंगे तुमको आने में लेट होएगा ना, मैं बोलेंगे हाँ मैं समझ जाती हूँ जो उसको कुछ खाने का है इसके लिए ऐसा बोल। मैं बोलती हाँ तो मैं उधर ही रुक जाती हूँ, वो खा लेता है, खा पी के जब हाथ धोने जाते तब समझ जाती हूँ उसका खा के हो गया तब मैं आती हूँ। ऐसा एक बॉन्डिंग करना चाहिए क्योंकि तो मेरे को ऐसा कुछ फील नहीं होता है। क्योंकि अभी देखिए रोजा रख के मैं गई उसको दवा खाना लेके, डॉक्टर देखा हिसाब की रिपोर्ट लिख के दिया, रिपोर्ट कराने के लिए बोला उसको डॉक्टर ने, बोला उसका रिपोर्ट कराने। तो बहुत नींद आ रही है, रात को जल्दी से सो जाओ ना, आँखें वो जल्दी खुल जाती है। 3:30 बजे से आँखें खुला रहता है, 4 बजे से उठ गई थी मैं। और कल रात को मेरी लड़की मेहंदी लगा के दिए, मैं सो जाती हूँ उसके बाद मेरी लड़की मेहंदी लगा। इसके लिए देखे ये उंगली का इस साइड में नहीं आया देखे, क्योंकि मैं सो गई थी इस साइड, आज रात को लगाया, सो जाने के बाद वो लगाया मेहंदी। रात को 1-2 बजे मेहंदी लगाया और 4 बजे उठ के मैं मेहंदी धोई निकाली। क्योंकि मैं उठती हूँ 4:15 बजे, तहजीद की नमाज पढ़ने उठती हूँ ना, मैं तहजीद की नमाज पढ़ के मैं सैरी करती हूँ। तो इसके लिए मैं बोली 4:15 बजे उठेंगे कब मेहंदी निकालेंगे कब नमाज पढ़ेंगे, इसके लिए 4 बजे आँखें खुल गया। उठ के फटाफट मेहंदी धोई निकाली धोई, फिर जाके नमाज उमाज पढ़ी, फिर रोजा रखी, फिर सैरी की, फिर रोजा वोजा रखी, फिर रोटी अंडा फ्राई करके दे के उसको लेके गई दवा करने। अब डॉक्टर रिपोर्ट लिख के दिया उसको, रिपोर्ट करने वो बोले ब्लड टेस्ट कराने का, ब्लड यूरिन दोनों टेस्ट कराने का। तो बोला 15 दिन के बाद है ना, मैं बोली अभी नहीं होएगा डॉक्टर क्योंकि अभी उसका एग्ज़ाम है। तो मैंने बोली अगले महीने आएंगे, तो बोला चलेगा ठीक है वो ऐसा कुछ नहीं, आप गोली खिलाते रहिए, अगले महीना उसको ब्लड टेस्ट करा के लेके आने का। तो ब्लड टेस्ट सब उधर ही होएगा, हॉस्पिटल में कराना पड़ता है। पूछ के आए उसका कितना, 700 रुपया उसका टेस्ट का। बहुत नींद आ रही, 700 रुपया 700 रुपीस ब्लड टेस्ट का, मतलब पूरा ब्लड टेस्ट यूरिन टेस्ट सब। तो वही जब कराने का एक दिन पहले जाकर करा के आने का। तो ये अभी उन लोग क्या खाएंगे क्या मन, भाजी चावल खाएंगे तो चावल लड़की बना के गया भाजी दे देंगे
नहीं खाएंगे तो फिर दूसरा कर। और मैं सहरी इफ्तारी में तो इफ्तारी में क्या बना वो सब तैयारी करने का है। मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर सो जाओ, सो के उठ के ना करूँ ना तो थोड़ा अच्छा लगे। थोड़ी देर सो जाएंगे फिर उठ के सब करेंगे। अभी आ जाएंगे जहर की, तो जहर के आ जान होने के बाद नमाज पढ़ के सो जाएंगे। तब तक सोच रही आ जान नहीं हो रहे ना कुरान पाक पढ़ के लो, क्योंकि अभी तो मैं फ्रेश हो गई नहा धो के पूरी तरह से फ्रेश हो गई। वजू करके और ना ये करो फिर नमाज पढ़ेंगे फिर सुबह। बाबाई तू क्या खाएगा? खा रहे हो बेडरूम में गया, क्या खा रहा है तू, क्या खा रहा है? बिस्किट खा रहा है। मैं इधर हूँ बोल के बेडरूम में जाकर बिस्किट खा रहा है। तो चलिए देखते रहिए क्या करो क्या रहे, और इफ्तारी में भी क्या बना रो क्या नहीं, जो भी बनाएंगे आप लोग को बोलेंगे। आज कुछ ब्रेड का आइटम बनाएंगे, ब्रेड है ब्रेड का कुछ आइटम बना लेंगे, बस ब्रेड से कुछ भी बना लेंगे। क्योंकि मैं अकेली रोज़ा खोलती, कोई नहीं रहता है, हस्बैंड आता है 7:45-8 बजे, लड़का भी ट्यूशन जाता है, लड़की भी जाती है ट्यूशन पढ़ाने, तो इसके लिए मैं अकेली हो जाती। इसके लिए उतना कुछ बनाती नहीं मैं, एक गिलास शरबत, थोड़ा सी फ्रूट, कुछ ये हो जाए बस उससे रोज़ा खोल गई थी। अरे खेजू यही है मेरा रोज़ा खोलने का ये। तो चले मिल रहे आप लोग से, थोड़ा बैठू, पैर बहुत दुख रहा है। खड़े खड़े गई, एक घंटा खड़े खड़े गई, आने का टाइम घाट का ऊपर से बैठने का जगह मिला, नहीं तो खड़े खड़े ही आ रही थी। तो बहुत पैर दुखता है, पैर मतलब पूरा पैर नहीं दुखता है मेरा, पैर का नीचे का हिस्सा दुखता है, नीचे का हिस्सा एकदम दुखता है, जो अपन वेट वजन वजन गिरता है ये वाला हिस्सा है ना पैर का नीचे, वो दुखता है मेरा। और कुछ नहीं, पूरा पैर नहीं दुखता है, नीचे ऐसा दबा रहता है ना मेरा, पूरा बॉडी का वजन उसमें जाता है इसके लिए, तो इसके लिए वो दुखता है और कुछ नहीं। तो चलिए क्या करें, आज तो कुछ करने का नहीं, खाना बनाने का नहीं है, इन लोग नहीं खाता है, इसके लिए बना के कुछ फायदा नहीं है, तो देख लो क्या करते हो। चले गए आज बनाने वाली मैं इफ्तारी में ब्रेड पकौड़ा, ब्रेड सैंडविच पकौड़ा ना सैंडविच, जिसके लिए मैं बटाटा ले ली, बटाना भी ले ली, बटाना मैं थोड़ा बॉयल करके ली, नहीं तो कच्चा कच्चा रहेगा। और इधर कुछ मसाला ली, नमक, तिक्का मिर्ची पाउडर, काला मिर्च पाउडर, काला मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी, चाट मसाला, बस और कुछ नहीं। और इधर है कांदा और कोतम्बीर, कांदा चॉप किया हुआ, कोतम्बीर बारीक काट के डाली। तो चलिए सब भी डाल दो इसमें, फिर अच्छे से मिक्स कर लो। गैस इसमें मैं चिली फ्लेक्स डालना भूल गई, बाद में चिली फ्लेक्स भी डाल दी, अब इसको मिक्स कर लो। तो चलिए गाइस पहला डालेंगे, एक में ज़्यादा हो गया टमाटर सॉस, थोड़ा कम करना पड़ेगा, कम अच्छे से टमाटर सॉस। क्या कौन सी पानी?
के ना निकले। इसके ऊपर चाहिए तो आप लोग मार्जिला चीज़ भी डाल सकते हो या इसको पिए, तो मैं थोड़ा मार्जिला चीज़ डाल दूँ। ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा बस। अब इस दवा बस एक हो गया हमारा, एक पीस हो गया। भी ऐसा करके सब बनो। देखिए तू दे रही है, एक हो गया। मैंने ना इसमें चीज डालना भूल गई थी, इसको मैंने रख दी थी, फिर याद आया रे मैंने तो इसमें चीज़ ही नहीं डाली, फिर खोल के ली। सिंगल में जो करेंगे ना उसके लिए मैं एक मिनट, मेरा एक मिनट, एक साइड में डालेंगे। मैं करूँ ला दो रोज, ज़्यादा नहीं थोड़ा थोड़ा डालेंगे, साइड में डालेंगे। म्यूनिस मॉडल चीज़ डालेंगे। मेरा चीज़ ना देखिए बड़ा बना हुआ है, नहीं निकल रहा, फिर भी मैं खोट खोट के निकाल रहा हूँ कैसे भी करके। बस हो गया, बस हो गया, नीचे है ही कोई, ज़्यादा मत दे इसमें। अरे नहीं, लेकिन ये नीचे से पिघल के चला है। अरे ऐसा तो चलिए सब बना लो फिर, तो चलिए अभी बनाने वाली हूँ। बटर को थोड़ा घी दे, पहला जितना छोटा छोटा है ना वो बना लेंगे। अभी थोड़ी देर के लिए आप पाल्टी कर देंगे। चलिए दूसरा पीठ भी थोड़ा थोड़ा करके बटर लगा दो। मेरा ब्रेड ना थोड़ा कम हो गया, इसके लिए मैंने ये सब अभी बनाए ब्रेड का। गैस स्लो कर दो जाते हमारा ये जले ना, जल जाएगा ना तो कड़वा कड़वा टेस्ट आएगा, और ऐसा गोल्डन गोल्डन रहेगा तो नहीं आएगा। ये बैटर है, अभी ये बैटर में से थोड़ा सी समोसा बनाओ सोच रही हूँ। टाइम मैं कभी की नहीं देखी, मेरा लड़का बनाया, मेरा लड़का समोसा बनाया, देख लीजिए। सब चीज़ डाल दिया क्या? नहीं तो ये क्या? उसने समोसा बनाया है, पता है ना कैसे करते हैं? मैं देख लूँ कैसा, मैं कर लेंगे, मेरे को मालूम है। अरे मेरे को मालूम है कौन घुमाना पड़ता है। इसको रख दो ना, चलिए मैं फटाफट फटाफट बना लूँ, नहीं तो बहुत टाइम हो जाएगा। ये सिंगल है, बना लूँ फिर। हाँ
देखे अब ये बनाए बना मास्टर से बनो लव मेकर बनने का ऐसा फिर घुमा के एक मिनट ये बड़ा अल्लाहु अकबर अल्लाह तो ऐसा फिर ऐसा और ऐसा देखने का अगर छेद के आर पार दिखता हो मतलब अरे आटो आटो जरा अगर छेद के आर पार अगर छेद के आर पार दिख रहा है मतलब ये खुल रहा है उधर लेप लगा देने का उधर मैदे का लेप लगा देने का हो जाएगा अब घुसाने का ये बैटर तुम चम्मच से घुसा रहे हो मैं 800 घुसाया वो किसका रुमाल है वो किसका रुमाल तब इसको अच्छे से फिट करने का अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सी चीज भाई मैं तो भर के चीज डाल दी अब इसको कैसा घुमाया था रे ये तो मेरा लड़का को बड़ा बड़ा आता है देख तेल गर्म हो गया चल इधर बंदर लेके फिर मेरा लड़का बनाया ये समोसा ये सब पहली बार क्या मालूम है क्या अस्सलामुअलैकुम गुड इवनिंग आज इफ्तार में है कालिंगर संतरा केला एप्पल खेजूर अंगूर और इधर है सब हमारा जो मेरा लड़का ने समोसा बनाया था वो समोसा और जो ब्रेड बनाया ब्रेड का सैंडविच अरे ऊपर से आया ये थाली आया ऊपर से हर साल ही आता है थाली पूरा महीने भर थाली आता ही रहता है जिन लोग देता है तो इसके लिए अपन भी करने का शरबत उधर सांभर चटनी तो चले रोजा खोलने का दुआ हुआ पढ़ के लो फिर रोजा खोलने और आप लोग भी आ जाइए रोजा खोलने में देखे ये भी बैठ गया पानी क्या पियो वो चाटनी उसको क्या पसंद है ये सब खाना क्या मन चाटनी सांभर सांभर में भी चटनी डाला था मैनुअली रख दे तो रख दिया डाल के भी मिला लिया उसमें उसको बहुत पसंद है सांभर चटनी खाने का कोई अलग ही मजा है इडली मेहंदी वाला सब और हो गया हम लोग खाए हम लोग का हिस्सा ये अभी हस्बैंड के लिए लड़की के लिए रख दी उन लोग खाएंगे हम लोग सब मिल बांट के खाते हैं नहीं जे अकेले ये उन लोग के उन लोग खाए उन लोग खाएंगे फूड भी रख दी उन लोग खाएंगे और सैंडविच अभी नहीं खाई थोड़ी देर बाद खाएंगे क्योंकि अभी मेरे को नमाज पढ़ने का इसके लिए रख दी हो गया हम लोग का इफ्तारी करके आज लड़का घर पे है क्योंकि उसका वो नहीं गया बहुत थक चुका है वो दवाखाना जाके आने में इसके लिए और जो हम लोग सोए और उठे 5:45 मैं उठी 5:40 को फिर सब बनाए इफ्तारी बना के सब ये के और मेरे को समोसा का वो घुमाने के लिए नहीं हो रहा लेकिन इसको बराबर आ रहा है ये बराबर समोसा का वो उसको घुमाया पट्टी को अभी बोली अभी उसको बोली तू चार बना के रख वो ही बनाया मैंने नहीं मेरे को नहीं आया मैं एक बना रही थी वो भी कैसे भी करके बनाई बाद में उसको दे दी बोली तू बना वो ही बनाया और गाइस मैं सही बताऊँ ना मैं दवाखाना से आया मम्मी लोग का बीच में प्लानिंग हुआ सो जाएंगे सो गए फिर मेरी बहन ने मेरे को उठाया मेरे को इतना होश ज्ञान नहीं है फिर थोड़ा सोना और से तो मेरे खाना खाया था थोड़ा मैंने खाया और सो गया दोनों जन ने खाना नहीं खाया सो गए ऐसे मेरी मम्मी रोजे में हम कैसे खा सकते ऐसे सो गए तो चलिए मैं दुआ हुआ मांग मैं मम्मी के सामने ना खाना मच पढ़ लूँ मैं मम्मी के सामने ना खाना खाता हूँ ना पानी पीता
इसके लिए यहाँ से जो दूध पिया था आधे के बाद भी पानी नहीं पी रहा था। अभी नमाज उमाज पढ़ू पढ़ के फिर कुरान पाक पढ़ू फिर ईसा की आजान होंगे तो फिर आग देना पड़ेगा। तो चलिए मिल लो। आज खाली मैं शाम से सैंडविच खा करके सैंडविच है तैयार है लेकिन बना टेस्टी अच्छा ही बना। अब ये खा लेंगे तो मैं खाना कैसे खाऊ वही सोच रही। तेरा हो गया और रोजा खोल के हो गया था नमाज पढ़ के लिए। रोजा खोलने को नमाज अदा की सबकी फिर कुरान पाक लेके बैठी थी। कुरान पाक भी पढ़ के हो गया सब हो गया। और अभी ये खाओ फिर वजू करके आओ। वजू करके आओ फिर कुरान पाक पढ़ने बैठो क्योंकि तारावी का नमाज होता है ना तो इसके लिए कुरान नहीं पढ़ा जाता। हस्बैंड बोलता है जे कुरान नहीं पढ़ने का और आपको तारावी का नमाज होता है ना तो बोलते हैं 10 बजे के बाद पढ़ने का। तो इसके लिए अभी अरे तवा पैकिंग किससे ये हो रहा है सुबह था ना तो वो आग का ये ज्यादा गर्म तो अभी तारावी का नमाज हो गया रहेगा इसके लिए अभी कुरान पाक पढ़ के लेंगे। और समोसा बनाए मेरा लड़का ने हस्बैंड बोला तू कुक बनेगा तो सीख गया समोसा बनाने वो बनाए मैं सीखी फ्राई में की ऐसा। तो सैंडविच भी अच्छा बना हस्बैंड ने खाया घर का बना के खाने का अच्छा इतना खरीद के ला के खाने से अच्छा। तो यही है अब ये सब खाओ फिर खाना गर्म करने का मैं जब तक कुरान पढ़ के लूँ फिर खाना खाएंगे फिर सो जाएंगे फिर सुबह उठेंगे। उठ के पहले तहज्जुद की नमाज पढ़ेंगे फिर जाके मैं शायरी करेंगे फिर हम रोजा रखने के ऐसा। तो चलिए कल फिर मिल रही हूँ। और हम लोग का रोजा का ब्लॉग कैसे लग रहा है आप लोग बताने का शायरी टू इफ्तारी का ब्लॉग आप लोग को कैसा लग रहा है। इधर मेरा कुछ लगा नहीं है इधर ना मेरा सूजा है इधर कुछ हो गया इधर निकल नहीं निकला। तो सैरी टू इफ्तारी का ब्लॉग आप लोग को कैसा लग रहा है वो बताने का। और अभी तो रोज़ चलेगा सैरी टू इफ्तारी ब्लॉग एक महीना तक आप लोग को यही देखने मिलेगा क्योंकि आज तो कुछ नहीं है लेकिन रोज अलग अलग रोज अलग अलग डिश एक डिश नहीं कल का कल देखा जाएगा रोज अलग डिश अलग ही ऐसा। अरे अच्छा लगता है खा खा के मेरे को दे खा के देना अच्छा लगता है। रोज का अलग 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 बनता है सब। लड़की नहीं रख रही लड़की क्योंकि वो जाती है काम पे लैब में जाती है तो उसका कुछ नहीं है रख सकती थी
लेकिन ट्यूशन जाती है ना जिधर पढ़ाने के लिए, उधर का जो मिस है ना वो थोड़ा अलग टाइप की है। वो है बच्चे ज़्यादा, अभी एग्ज़ाम है। हाँ बच्चे ज़्यादा एग्ज़ाम का कोई ये सवाल ही नहीं है। उस टाइम तक है सब भारत का टाइम एग्ज़ाम नहीं होता है बाबा। उसका जो जिसका पास जाता है ना काम पे, वो टीचर उसको नहीं करने देता है सैडी, इफ्तारी करने नहीं देता है। रोजा का टाइम, रोजा खुलने का टाइम हो जाता है, जो हकीकत हकीकत ही बोलेंगे, मैं नहीं खुलने देता है उसको। अभी सबे बारात का दिन किया रखा था, वो रोजा रख के गया था उधर ट्यूशन, तो बोला भी मिस मेरा टाइम हो गया रोजा खोलने का, तो मैं रोजा खुल गया, अभी नहीं कर करके उसको कितना देर का बाद खोलने दिया। तो उधर जासूसी कर रहे थे, खड़े होके देख रहे थे वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। इसके लिए मैं बोली जो सही सही है, नहीं करने देते इसके लिए मैंने बोली जान दो नहीं करने का। अभी तो आठ भी करने नहीं देंगे क्योंकि अभी पेपर है, मार्च महीना से पेपर है अप्रैल तक, इसके लिए नहीं करने देंगे। मैंने बोली मत कर जान दे, नहीं तो लैब का सब कोई उसको बोल रहा है रोजा रख रोजा रख रोजा क्यों नहीं रखा। इकड़ा पानी पीने जाता तो उन लोग बोलते अरे तू रोजा है ना मत पी, फिर वो बोलता है नहीं हूँ मैं रोजा, तो ये हो जाता है इसका। तो चले ये सब खाओ, हस्बैंड का तो कुछ बात ही नहीं है, काम से आएंगे नहाएंगे धाएंगे चाय नाश्ता करेंगे जो भी रहेगा वो, और फुल आवाज में फुल दम में टीवी देखेंगे, आवाज़ सोलो करो बोल के थक जाती हूँ, वो सुनता नहीं, वो अपना ही मन मर्जी से टीवी देखेंगे फुल दम में आवाज लगा के, चाहे किसको भी डिस्टर्ब हो चाहे कुछ भी हो। ऐसा जिन्होंने कमेंट किया उनको बता दे रही हूँ सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकती इसके लिए, मेरा हस्बैंड नहीं रहता तो देखने का हम लोग का वीडियो अलग रहता है, और हस्बैंड रहेगा तो एकदम फुल दम में टीवी चालू करके देखता है, तो उसको बोल के भी कुछ फ़ायदा नहीं है, वो सुनता नहीं है, वो अपना मन मर्जी चलाता है। अभी फुल दम में टीवी देख रहा था, देख के अभी जाकर सो गया, उधर खाया पिया सो गया। कल क्या बनाऊँ क्या करूँ पूछ रही तो कुछ बताया नहीं, बोलते जो मर्जी बना जो मर्जी कर। तो बाबा कौन कौन है कर क्या कौन कौन है? मैं तो रखेंगे भाई, मेरे को बोलता तू रोजा रख के गई तेरे को ये रोजा लग गया ना, मैंने बोली नहीं मेरे को सही में रोजा नहीं लगा, झूठ नहीं बोल रही हूँ मेरे को रोजा नहीं लगा ना कुछ, यही बात है। तो चलिए कल मिल लो आप लोग के साथ, ज़्यादा बड़ा वीडियो ना करूँ मेरे को कुरान पढ़ने जाने का, तो आज के लिए इतना ही, बाय अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट, सुब्रती सुड्डी और हैप्पी नाइट डे। हम लोग का वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है उसके लिए पैसा नहीं लगता। तो चलिए कल मिल रही बाय, फिर सुबह उठेंगे तब मिलेंगे, चलें अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।